हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विदेशी में। फ्रेंड्स, गाड़ी को टो होते तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, यानी कि जब गाड़ी खराब हो जाती है तो दूसरी गाड़ी की मदद से जब उसे खींच कर लेकर जाते हैं तो उसको गाड़ी को टो करना कहते हैं, और इंग्लिश में उसे टोइंग ऑफ व्हीकल भी कहा जाता है। तो आज उसी से रिलेटेड, टोइंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ कानून बताऊंगा जिसमें कि किस चीज़ को टो करना कानूनन सही है, कौन से व्हीकल को कानूनन टो कर सकते हैं, कौन से को नहीं कर सकते, और क्या तरीका है, क्या कानूनन प्रावधान उसमें दिए हुए हैं, क्या सेक्शंस बोलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, नजर डालते हैं आज के कंटेंट। टो करने के जो कानूनी प्रावधान बताए गए हैं वो बताए गए हैं द मोटर व्हीकल्स ड्राइविंग रेगुलेशंस 2017 में। फ्रेंड, सेक्शन 30 बात करता है टोइंग ऑफ व्हीकल के बारे में, जिसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, यानी कि 5 पॉइंट्स में बताया गया है। तो पहला पॉइंट कहता है, सेक्शन 30 का जो 1 पॉइंट है वो कहता है, जो टू व्हीलर है वो किसी अनदर व्हीकल से टो नहीं किया जा सकता। इसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई बाइक की खराब हो जाती है, कोई भी टू व्हीलर है, उसे अनदर व्हीकल से टो नहीं कर सकते। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बाइक खराब हो जाती है तो उसे अनदर बाइक वाला पीछे से टांग से पुश करते हैं या फिर उसमें रस्सी बांध देते हैं, बेल्ट बांध देते हैं, तो वो पूरी तरह से गलत है, मना है, उसके लिए प्रोहिबिट किया गया है इस सेक्शन में, सेक्शन 30 के 1 में। अब बात करते हैं सेक्शन 30 का सेकंड पॉइंट, कि अगर कोई फोर व्हीलर टो किया जाता है तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। 25 किलोमीटर से ज्यादा जो स्पीड है उसके लिए पुलिस आपके ऊपर फाइन लगा सकती है। तो सेक्शन 30 का 2 बताता है स्पीड उन दोनों व्हीकल्स की जो व्हीकल टो करेगा सेकंड व्हीकल को, यानी कि जो खराब व्हीकल को टो करेगा उस व्हीकल की स्पीड 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सेक्शन 30 का ही थर्ड पार्ट कहता है कि जो डिस्टेंस है दोनों व्हीकल्स के बीच का वो 5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक गाड़ी जो दूसरी गाड़ी से बांधी जाती है, जो उसकी रस्सी से बांधते हैं या फिर रोप या कह सकते हैं किसी भी बेल्ट वगैरह से बांधते हैं, वो 5 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी कानूनी एक प्रावधान है, अगर उसकी जो बेल्ट है 5 मीटर से ज्यादा हुई उसकी लेंथ, तो भी आप जो है वायोलेशन कर रहे हैं इस सेक्शन का। फ्रेंड्स, सेक्शन 30 का ही फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो टोइंग व्हीकल है या फिर कहें जिस रस्सी से वो टोइंग व्हीकल बांधा गया है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो विजिबल हो हर किसी को, जो भी वहाँ रोड पर व्हीकल चल रहे हैं या अनदर व्हीकल है उसे वो प्रॉपरली देख सकें। क्योंकि अगर ऐसा कोई आप उसमें रोप वगैरह यूज कर लेंगे जो विजिबल नहीं है तो उससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, टोइंग के ऊपर इस सेक्शन का लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, जो कहता है जो गाड़ी टो कर रही है और जो गाड़ी खिंचकर आ रही है पीछे से, जो गाड़ी टो कर रही है उसके तो सामने लिखा होना चाहिए ऑन टो, और जो गाड़ी खिंचकर जा रही है पीछे उसकी बैक साइड में, यानी कि उसका जो बैक मिरर है उस पे भी सेम स्टिकर ऑन टो का लगा होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और जो इसकी हाइट है ऑन टो, जो ये टू वर्ड्स इस पे लिखे जाएंगे उनकी भी हाइट्स इस सेक्शन में मेंशन की हुई है, 10 सेंटीमीटर तो उनकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि जो आप उस पे स्टिकर वगैरह लगाएंगे ऑन टो का उसमें जो वर्ड्स हैं उनकी हाइट 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए जो ऑन टो वर्ड्स उसके ऊपर लिखे जाएंगे गाड़ी के। यानी कि जब कोई गाड़ी खींच कर जाती है तो जो आगे गाड़ी उसे खींच के ले जा रही है उसके ऊपर भी ऑन टो लिखना जरूरी है, और जो खींच कर आ रही है उसके डिग्गी पर या फिर जो मिरर है बैक साइड का उस पे भी ये लिखा होना बेहद जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि जो गाड़ियां पीछे से आ रही हैं उन्हें ये पता रहना चाहिए कि जो ये व्हीकल है ये खराब है। और एक चीज में और लिखी गई है एक्ट में, इसी सेक्शन में 5 पॉइंट में, कि रात के टाइम पे गाड़ी को टो नहीं कर सकते तब तक जब तक उसकी हजार्ड लाइट्स, यानी कि जो पार्किंग लाइट्स वगैरह होती हैं जो ब्लिंक करती हैं, वो वर्किंग होनी चाहिए। अगर वो लाइट्स वर्क नहीं कर रही हैं तो उस टाइम पे आप गाड़ी को टो नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पनिशेबल होंगे अंडर सेक्शन 177 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के। और रात के साथ साथ वेदर कंडीशंस पे भी डिपेंड है, कि अगर वेदर कंडीशंस ज़्यादा ख़राब हैं तो आप बिना हजार्ड लाइट के आप अपनी गाड़ी को टो नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। इस वीडियो में आपने देखा कि टो करने का, जो गाड़ी को खींच के ले जाने का भी एक अपना नियम बना हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि गाड़ी जब हम टो करते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है तो उसे किस तरह से ले जाना है,
और ऐसे टाइम पर अगर आपको पुलिस रोक लेती है गाड़ी को टो करते हुए, तो आपके ऊपर तो फाइन भी लग सकता है। तो ये थे नियम गाड़ी को टो करने के। तो हम सबको पता होना चाहिए, ये छोटे छोटे जो लॉज हैं जिनके बारे में पता नहीं है, ये हमें सबको पता रहना चाहिए। तो फ्रेंड मकसद यही था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का, कि ज्यादातर लोगों को, 99% लोगों को ये पता नहीं है। और फिर जब पुलिस वाले उनसे रोक कर उन पेपर्स वगैरह चेक करते हैं, कमी निकालते हैं, तो वो लोग कहते हैं ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि हर चीज़ का क्या लॉ है। तो इसी यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक तो शेयर ज़रूर कर दें इसे, क्योंकि और भी लोगों को पता रहना चाहिए कि क्या लॉ है टोइंग के ऊपर, गाड़ी को टो करने के ऊपर। तो सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।